माँ आपसे कुछ बात करनी है अलग से। क्या हो बेटा? भाई सब क्या हो रहा है? क्या मतलब क्या हो रहा है? चारों कह रही थी कि हमारी शादी की डेट फिक्स हो रही है। मयंक, शादी की डेट फिक्स होगी तभी तो शादी होगी ना। आप चाहती हैं कि मैं वापस कानपुर चला जाऊं, है ना? क्या? क्यों? हाँ, मुझे इतनी जल्दी शादी नहीं करनी है। पागल हो गए हो क्या? बेटा, सगाई हुई तो शादी तो होगी ना? आज नहीं तो कल। बेटा तुम भी कुछ लो ना, चाय लो, मिठाई लो। जी आंटी जी, हम सब समझ गए। घर से इसीलिए भाग रहे थे ना, पढ़ाई तो सिर्फ एक बहाना था। माँ देखो, तुम फिर से शुरू मत हो जाओ, बात को समझो प्लीज। नमस्ते जी। अरे नमस्ते भाई साहब। अरे बैठे बैठे आप बैठे। नमस्ते अंकल जी। नमस्ते बेटा, खुश रहो। तुम्हारे ताऊ जी आ गए। भगवान के लिए उनके सामने ना कोई नाटक मत करना। हम सब संभाल लेंगे, बस तुम चुप रहना। मैं बस अभी आया। चल, जाना तो है वैष्णो देवी, पर एक बार इनसे पूछे। अरे दामाद जी, ये अपनी माँ के साथ क्या गुजर बुजर कर रहे थे? जी वो बस कुछ नहीं। अब हमें भी तो पता चलना चाहिए कि क्या बात है। अब देखिए ना, शर्माना तो हमारी चारू को चाहिए, लेकिन वो कमी भी पूरी आप ही कर रहे हैं, है ना?